Hi student, good morning. How are you today? In the last lecture, we discussed about the various type of cohesion of carpals. Now, today we are going to start placentation. Placentation kise kehte hain? The arrangement of ovule on placenta within the ovary is known as placentation. Okay. Next heading डाल देते हैं. Placentation. प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन साइड द ओवरी, यानी किस तरह से सीड का अरेंजमेंट पाया जाता है फ्रूट के अंदर, या फिर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है ओवरी के अंदर, इसी को स्टडी करते हैं प्लेसेंटेशन. ओके, तो हेडिंग डाल दीजिए प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन के पहले समझ लीजिए लॉक्यूल्स. अगर ओवरी के अंदर एक ही लॉक्यूल मौजूद है तो उसे यूनिलॉक्युलर, दो मौजूद है तो उसे बाई, और इसी तरह से ट्राई, टेट्रा, पेंटा और मल्टीलॉक्युलर कंडीशन कहते हैं. ठीक है, नाउ हेडिंग प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन, चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं. सो व्हाट इज द प्लेसेंटेशन? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन प्लेसेंटा विथ इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन. ओके, तो प्लेसेंटेशन क्या है? ये अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का जो पाए जाते हैं ओवरी के अंदर, इसी को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं. तो इट इज आवर फॉलोइंग टाइप्स, वन बाय वन स्टडी करते हैं. इसमें फर्स्ट आता है फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं. प्लेसेंटेशन में फर्स्ट टाइप आते हैं जिसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिनल दूसरा प्रेजेंटेशन आता है जिसको हम कहते हैं पेराइटल. अच्छा, मार्जिनल की खास बात क्या होती है? इट इज़ फाउंड इन द मोनोकार्पलरी गाइनीशियम. जो मोनोकार्पलरी गाइनीशियम है वहाँ पर देखी जाती है, और इस केस में प्लेसेंटा डेवलप होता है अलॉन्ग द जंक्शन ऑफ टू मार्जिन्स ऑफ द कार्पल. ठीक है, तो इस तरह के जो प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं वो कहलाते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन. और इसका एग्जाम्पल है पी, कैसिया और अकेसिया. एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते जाते हैं, और उसके डायग्राम मैं इसके बाद बनाता हूँ. मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है पी, कैसिया, अकेसिया. ओके, नेक्स्ट पेराइटल. पेराइटल प्लेसेंटेशन, इन द केस ऑफ पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओवरी इज वन चैम्बर टू और मोर लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटी develops along the wall of the syncarpus pistil. यानी ये जो ovary होती है वो दो chamber में divide होती है, और इसके along placenta develop होते हैं, और syncarpus pistil होता है, and the number of placenta correspond to the number of fusing carpels. जितने carpel आपस में fuse होते हैं उतने ही placentation या placenta वहाँ पर available होते हैं.
ये केस आपको देखने को मिलता है रेडिस के केस में, पपाया के केस में, ठीक है। एग्जांपल लिख दीजिए, रेडिस पपाया, ओके। नेक्स्ट पेपर, सॉरी क्या चल रही, द पैराइटल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन द फैमिली क्रूसीफेरी, ठीक है। और ये क्यों पाया जाता है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉल्स सेप्टम, जिसको हम रेप्लम कहते हैं। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्रूसीफेरी मेंबर्स का, फैमिली क्रूसीफेरी में आपको पैराइटल प्लेसेंटेशन नॉर्मली देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एक्सिल या एक्सिल प्लेसेंटेशन, इस केस में क्या होता है, इट इज फाउंड इन द सिनकार्पस पिस्टल। सिनकार्पस मतलब जो पिस्टल आपस में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। सिनकार्पस पिस्टल, द ओवरीज पार्टीशन इनटू टू आर मोर चैम्बर एंड द प्लेसेंटा अकर्स इन द सेंट्रल रीजन। तो प्लेसेंटा कहां पर पाया जाता है, मिड में पाया जाता है, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। सो so that on the axil column bearing ovules is formed, तो बीच में जो axil part रहता है वहां पर ही ovules पाए जाते हैं, seed पाए जाते हैं। इसका example है potato, tomato, china rose, etc. example लिख लीजिए, potato, tomato, ठीक है, जहां पर आपको नॉर्मली एक्सिल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। चाइना रोज बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो चाइना रोज कितनी बार पूछा गया, चाइना रोज और लेमन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सिल के बाद फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल दैट मीन्स द पिस्टल इज पॉलीकार्पलरी, यानी बहुत सारे कार्पल्स ज्वाइंट रहते हैं, पॉलीकार्पलरी केस है। एंड सिनकार्पस बट द ओवरी इज यूनिलॉकुलर, यानी सिनकार्पस कंडीशन होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ सभी में एक एक लॉक्यूल पाए जाते हैं, यानी ओवरी कैसी होती है, यूनिलॉकुलर। एंड द ओव्यूल्स बॉर्न अराउंड द सेंट्रल कॉलम, ठीक है। तो जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल कॉलम में डेवलप होते हैं, उसके चारों तरफ डेवलप होते हैं, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द ओवरी वॉल बाय एनी सेप्टम, वो ओवरी की वॉल से कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं होते। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डायंथस और प्राइमरोज। डायंथस और दूसरा एग्जांपल है प्राइम रोज। और यहां पर जो ओव्यूल्स हैं मिडिल में पाए जाते हैं, बीचों बीच। नेक्स्ट आती है बेसल, बेसल ओवरीज यूनिलॉकुलर, एक ही लॉक्यूल पाए जाते हैं। एंड द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी ऑन थैलमस रीजन एंड इट बियर्स ओनली वन ओव्यूल, ठीक है। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एटसेट्रा। और लास्ट में आता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का हम अलग से बनाएंगे, पहले इनका डायग्राम वन बाय वन बनाते हैं, पहले बनाते हैं।
मार्जिनल प्लेसेंटेशन का डायग्राम ध्यान से देखिएगा। This is the condition of marginal placentation and this is the placenta. Placenta. Okay. Next, parietal के केस में क्या होगा? Parietal के केस में इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, ये है फॉल्स रेप्लम जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं। नाउ लुक एट दिस, इस तरह से ये सीड डेवलप हो जाते हैं। ऑलराइट, इसी को हम प्लेसेंटा कहेंगे और इस बीच की दीवार को कहेंगे रेप्लम। ओके, नेक्स्ट आता है एक्सियल प्लेसेंटेशन। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दे आर फ्यूजिंग टूगेदर इन सच अवे। ये बीच का हिस्सा सेंट्रल पार्ट और यहां पर अरेंजमेंट हो जाता है ओव्यूल्स का, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से, राइट, इसे कहते हैं एक्सियल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट आता है, इसको हम फ्री सेंट्रल कहते हैं। इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, लुक एट दिस। This is the diagram of pre-central. Just a moment.
ओके एंड दिस इज द सेंट्रल पार्ट. ओके नाउ होल जितने भी ओव्यूल्स हैं ये सेंट्रल से अटैच होते हैं, सेंट्रल पार्ट से, जस्ट लाइक दैट. Okay. Now, look at this. In this case, this is placenta. Placenta. Okay. And in this case, ये बीच का हिस्सा कहलाता है central column, और ये side side में ovules हैं. इसे हम क्या कहेंगे? Central column. सेंट्रल और इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूल्स. ऑलराइट नाउ नेक्स्ट आता है बेसल और यहां पर बेस पे ओबुल ओव्यूल पाया जाता है जस्ट लाइक दैट. ये बेसल पार्ट है यहां पर ठीक है. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल. अभी इसे को हम ओवरी कहते हैं और लुक एट दिस से ओवरी कहते हैं और ये अंदर का जो हिस्सा है इसी को हम ओव्यूल कहेंगे. ओव्यूल जस्ट लाइक दैट. इसका स्ट्रक्चर यहां पर इस तरह से इस तरह का प्रेजेंटेशन कहलाता है बेसल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. इसके बाद नेक्स्ट आता है और लास्ट जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल. नेक्स्ट लिख लीजिए सुपरफिशियल. सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? द ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द सेप्टा. जो ओव्यूल्स हैं वो सेप्टा में डेवलप होते हैं. इफ प्रेजेंट अगर पाए जाते देन सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन बोथ मोनोकार्पिलरी एंड सिनकार्पस कंडीशन. ओके तो सुपरफिशियल एक स्पेशल केस है जो आपको निम्फिया में देखने को मिलता है या बुचोमस में देखने को मिलता है. इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ जरा देखिए ये किस तरह से पाए जाते हैं. And here is the arrangement of seed. Good amount. So this is the arrangement of lobule, ovule inside the
कॉलम्स जस्ट लाइक दैट. ओके एंड दिस इज ओवरी. ओवरी एंड दिस इज नोन एज लॉक्यूल्स. लॉक्यूल्स एंड द ओव्यूल्स आर फाउंड इन साइड द लॉक्यूल्स. ओव्यूल्स. सो दिस इज द सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन विच इज फाउंड इन द निम्फिया. ओके okay?